हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि गूगल टैग मैनेजर को आप अपनी वेबसाइट या अपने लैंडिंग पेज या अपने स्टोर पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन ये इंस्टॉलेशन करने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि गूगल टैग मैनेजर होता क्या है, हमें इसका यूज़ करना चाहिए नहीं या नहीं करना चाहिए, इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है, बिकॉज हम डायरेक्ट भी अपना जो ट्रैकिंग कोड या डायरेक्ट भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गूगल टैग मैनेजर एक्चुअली होता क्या है, एक टूल है जिसका यूज़ करके हम कोई सा भी ट्रैकिंग कोड, चाहे वो रिमार्केटिंग का हो, गूगल का हो, फेसबुक का हो, ट्विटर का हो, तो कोई सा भी हम ट्रैकिंग कोड अपने वेबसाइट पे इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन हमें गूगल टैग मैनेजर यूज़ करना चाहिए नहीं या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो गूगल टैग मैनेजर में क्या होता है, एक तो ये उसमें बहुत सारे एडवांस ऑप्शन प्रोवाइड करता है। जैसे हम अगर कोई भी जैसे फेसबुक या गूगल का वो इंस्टॉल करेंगे ट्रैकिंग कोड, तो अपने को अपनी वेबसाइट पे जाके डालना पड़ेगा। लेकिन इसका यूज़ करके हम बहुत सारे इवेंट को ट्रैक कर सकते हैं, उनका वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं कर सकते हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे एडवांस ऑप्शन प्रोवाइड करता है, यूआरएल में पैरामीटर को ट्रैक कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो आपको जनरली नॉर्मली अगर आप डायरेक्ट इंस्टॉल करते हैं तो उसमें वो सारे ऑप्शन नहीं मिलते हैं। तो ये तो था एक बेनिफिट। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे अगर आपको अपनी साइट पे गूगल का डालना है या फेसबुक का डालना है, ट्विटर का डालना है या कोई थर्ड पार्टी ट्रैकिंग कोड डालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर कोड को अगेन एंड अगेन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन गूगल टैग मैनेजर का यूज़ करके आपको क्या करना है, बार बार अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल नहीं करना है। तो गूगल टैग मैनेजर में क्या होता है, अपने को एक बार एक कोड मिलता है, तो वो कोड अपने को सिर्फ एक बार डालना होता है। उसके बाद अपने को जो भी सारे कोड ऐड करने होते हैं वो गूगल टैग मैनेजर के अंदर करने होते हैं, हमें अपनी वेबसाइट को बार बार टच करने की, छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके जो जितने भी सारे ट्रैकिंग कोड है वो आप एक जगह से इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको बार बार अपनी वेबसाइट पे जाके, हेडर में जाके या जो भी मेथड होता है आपको बार बार इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप एक जगह से सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, जैसे आप गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल करना है या गूगल का रिमार्केटिंग टैग डालना है, गूगल एड्स का डालना है, फेसबुक एड्स का डालना है, ट्विटर का, लिंक्डइन का, आप या इसके अलावा आप कोई थर्ड पार्टी जैसे ट्रैकिंग टूल यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके लैंडिंग पेज के लिए, तो सारे कोड आप सिर्फ एक जगह डाल सकते हैं और आपको बार बार नहीं इंस्टॉल करना। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन मैंने बताया, इसमें हमको बहुत सारे एडवांस ऑप्शन मिल जाते हैं ट्रैकिंग करने के लिए, इसलिए हमें बेटर वे में अपना डेटा मिल जाता है। तो ये इसके मेजर बेनिफिट्स हैं। तो नॉर्मली अगर अभी अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपको गूगल टैग मैनेजर को यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं ये बोलूँगा अगर आप मोस्ट प्रिफर मैं प्रीफर करूंगा कि आपको गूगल टैग मैनेजर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप एक अकाउंट के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपके मल्टीपल वेबसाइट है तो आपको अलग अलग जगह डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक गूगल टैग इंस्टॉल करना है और उससे सब जगह आपका वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट ऑलरेडी है। इसके अलावा जैसे अगर आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट, जैसे आपका एक डोमेन है या मल्टीपल डोमेन यूज़ कर रहे हैं, आप कंपनी है, एजेंसी है या आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है, गूगल टैग मैनेजर बहुत आइडियल हो जाता है। अगर जैसे आप केवल आपका एक ही वेबसाइट है, आपको एक ही एड्स रन कर रहा है, तो ठीक है, उस केस में आप नहीं भी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा आप गूगल टैग मैनेजर को यूज़ करें, बिकॉज ये कम्प्लीटली फ्री टूल है और सारे ऑप्शंस, एडवांस ऑप्शन इसमें प्रोवाइड करता है। तो आपको गूगल टैग मैनेजर ऑलवेज प्रीफर करना चाहिए। अभी तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गूगल टैग मैनेजर को आपकी वेबसाइट या लैंडिंग पेज पे कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अब आपको मेरी स्क्रीन पे मैं दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाके टाइप करना है गूगल टैग मैनेजर। तो आपको क्या करना है, गूगल में जाके सर्च मारना है गूगल टैग मैनेजर। तो जैसे आप गूगल टैग मैनेजर सर्च करेंगे तो आपको पहला ही ऑप्शन दिख जाएगा, गूगल टैग मैनेजर। और अगर आप लॉगिन नहीं है तो लॉगिन कर लेना अपने जीमेल या गूगल अकाउंट में, वरना ये आपको वहाँ पे पूछेगा। तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। अब आप क्या करना है, जैसे ही आप गूगल टैग मैनेजर पे क्लिक करते हैं करना पड़ेगा। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा एक इंटरफेस दिखाई देगा, तो भी यहाँ पे सारा ब्लैंक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आपको गूगल टैग मैनेजर में अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर अकाउंट के अंदर आप अपनी वेबसाइट को ऐड करेंगे। और अपन मल्टीपल वेबसाइट को भी ऐड कर सकते हैं, तो अलग अलग वेबसाइट के लिए अलग अलग ये कोड जनरेट करके देगा। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन क्या होता है, आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो अकाउंट क्या होता है, आप एक अकाउंट के अंदर मल्टीपल वेबसाइट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपका कोई वेबसाइट है तो आप उसके सब डोमेन हो तो भी आप उस एक अकाउंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो क्लाइंट के लिए एक गूगल टैग मैनेजर में एक अकाउंट बना ले, और उसकी जितने भी वेबसाइट हो या लैंडिंग पेजेज हो या जो भी हो, तो आप सारा ट्रैकिंग कोड एक अकाउंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो डिफरेंट क्लाइंट के लिए आप डिफरेंट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और हर अकाउंट के अंदर अपने को एक कंटेनर क्रिएट करना पड़ता है। तो अकाउंट हो गया आपका आया, तो आपका खुद का पर्सनल नेम डाल सकते हैं या जैसे कोई कंपनी तो उसका नाम डाल सकते हैं। और कंटेनर क्या होता है, आप जितने भी लैंडिंग पेजेस, वेबसाइट जो भी मैनेज करते हैं, तो उसके लिए आप सेपरेट कंटेनर क्रिएट करना पड़ता है। तो कैसे क्रिएट करते हैं मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ।
तो अभी आप देख सकते हैं, तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अकाउंट्स का ऑप्शन। तो सबसे पहले अभी आपको क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट बटन पे। तो जैसे ही आप क्रिएट एड न्यू अकाउंट बटन पे क्रिएट करते तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डालना है अकाउंट नेम। अकाउंट नेम अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप खुद का नाम डाल सकते हैं, अगर आपका खुद का कंपनी है या किसी क्लाइंट के लिए कर रहे तो आप यहाँ पे उसका नाम डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं मेरा खुद का डाल देता हूँ, कि मैंने सही नाम डाल दिया, मेरा खुद का नाम डाल दिया डिजिटल। इसके बाद आपको इसमें कंट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका कौन सी कंट्री, आपका लोकेशन क्या है। तो जैसे मैं इसमें डाल देता हूँ इंडिया, ठीक है, से डेटा एनोनिमसली विद गूगल सेंड अदर। सो आप उसको चेक भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है कंटेनर। तो कंटेनर क्या होता है, आपका एक वेबसाइट हो गया मतलब। और तो आप एक अकाउंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपका डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट है या आपका वेबसाइट या आप सब डोमेन है, तो उसके लिए भी आप सेपरेट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका कोड सेपरेट होगा। जैसे आप सब डोमेन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे आपका कोई वेबसाइट है, आप ब्लॉग है या कोर्स के लिए आपने अलग से सब डोमेन क्रिएट कर दिया, तो आपको सेपरेट कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसका कोड फिर उस वेबसाइट पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो अभी यहाँ पे जैसे मैं अपना वेबसाइट डाल देता हूँ, तो वेबसाइट में आपको क्या करना है, www.mysite। तो जैसे यहाँ पे मैंने अपना एक मेरा खुद का डोमेन है तो वो मैंने डाल दिया है। उसके बाद आप यहाँ को सेलेक्ट करना है टारगेट प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे iOS एंड्रॉयड, तो ये क्या होता है, अगर आप एप्लीकेशन को के लिए कोड इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको वो सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप आपका वेबसाइट लैंडिंग पेज या ई कॉमर्स कोई सा भी वेबसाइट के लिए कर रहे हैं तो आपको वे भी चूज़ करना है। तो हम इसको चूज़ करना पड़ेगा आपको वेब। इसके बाद आपको क्लिक कर देना है क्रिएट बटन पर। तो ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, जस्ट टर्म्स एंड कंडीशन है, तो इसको एक्सेप्ट कर लेना है जैसा हमेशा करते हैं बिना पढ़े हुए, राइट। तो अभी आपको कर देना है यस पे। तो इसके बाद ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है। तो अकाउंट क्रिएट होने के बाद अभी अब इसने क्या किया, अपने को कोड जनरेट करके दिया है। तो ये गूगल टैग मैनेजर का कोड है, और ये कोड अब आप अपने को अपनी वेबसाइट पे या फिर अपने लैंडिंग पेज पे या जो भी, या कोई ई कॉमर्स स्टोर है जो भी हम यूज़ करने वाले हैं वेब एप्लीकेशन, वहाँ पे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसको इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका कोई कस्टम वेबसाइट है तो आपको उसको हेड सेक्शन में जाके डालना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता तो आपका जो भी टीम में जिसने भी वेबसाइट डेवलप किया है आप उसको बता सकते हैं, तो वो इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद सेकंड कोड डालना पड़ेगा आपके बॉडी टैग के अंदर। तो ये दो कोड आपको आपकी आपकी वेबसाइट पर डालने पड़ेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट हो सकती है। जैसे आपका अगर वेबसाइट मैनुअल है तो आपको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपका वर्डप्रेस का वेबसाइट है तो उसमें बहुत ईजी है, मतलब उसमें अपने को डायरेक्ट प्लगइन मिल जाता है, तो अपने को जस्ट कॉपी पेस्ट करके उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। और थर्ड ऑप्शन, जैसे अगर आपका कोई लैंडिंग पेज है तो आप, या कोई लैंडिंग पेज बिल्डर यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ऑप्शन, हर लैंडिंग पेज बिल्डर में ऑप्शन होता है कि आपको हेड हेड या बॉडी ट्रैकिंग कोड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों दिखाने वाला हूँ, वर्डप्रेस में कैसे इंस्टॉल करते हैं, अगर आपका लैंडिंग पेज है तो उसमें कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो, अगर मैनुअली कर रहे हैं तो आपको ये कोड कोड में जाके इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपका कोई जिसने वेबसाइट बनाया उसको दे देंगे तो ये एक वो इंस्टॉल करेगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि कोड आपको एक बार डालना है, फिर बार बार आपको कितने भी आपका एड्स का जितना भी कोड डालना है आपको, डिफरेंट डिफरेंट गूगल का, गूगल एनालिटिक्स का, कोई सा भी कोड डालना है तो आपको बार बार ऐड नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार में आपका सारा काम हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। तो हमने क्या कर दिया, अभी आपको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, आपको जो आइकन दिख रहा होगा, या तो उसको नोटपैड पे ले ले, या फिर आपको इसको बाद में भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, अपना ये एक टैग जनरेट हो जाता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो पहले मैं आपको इसका एक वेब ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपने को दिख रहा होगा GTM, जो कुछ रैंडम नंबर है। तो ये आपका गूगल टैग मैनेजर का कोड होता है और यही हर जगह अप्लाई होता है। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे, ओवरव्यू में आपका दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ टैग से, ट्रिगर से, वेरिएबल से, फोल्डर से, तो मैं आपको बाद में इसका ओवरव्यू देने वाला हूँ, इनका क्या यूज़ है, कैसे जब हम डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हमारा मेन पर्पज़ है इसको इंस्टॉल करना, और टेस्ट करेंगे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको इसको जस्ट कॉपी करना है, अभी आपको जाना है आपकी वेबसाइट पे। तो सबसे पहले पहले मैं दिखाता हूँ, अगर आपका वर्डप्रेस का वेबसाइट है तो आपको कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आपका वर्डप्रेस का वेबसाइट है तो आपको जाना है प्लगइन में, प्लगइन के अंदर एड न्यू प्लगइन करना है। तो भी आपको यहाँ पे सर्च करना है हेडर। जैसे ही आप हेडर सर्च करेंगे तो यहाँ पे कुछ प्लगइन्स दिखाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो दो मोस्ट कॉमन प्लगइन है, एक तो ये WP कोड, उसके बाद है हेडर फुटर कोड मैनेजर। तो आप इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये वाला यूज़ करता हूँ हेडर फुटर कोड मैनेजर, बिकॉज इसमें मुझको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कस्टमाइज़ करने के। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं या ये भी यूज़ कर सकते हैं, फिर आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो
तो मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, हेडर फुटर कोड मैनेजर। तो इसका भी मेरे यहाँ पे मेनू में मुझे ऑप्शन दिख रहा है HFC नहीं, तो यहाँ पे भी आपको क्लिक करना है ऑल स्निपेट या एड न्यू। तो भी हम यहाँ पे ये सारा लिस्ट दिखा देगा अगर आपने पहले से कोई सा भी कोड यूज़ किया हुआ है। तो भी आपको यहाँ पे जाना है और क्लिक करना है एड न्यू स्निपेट। स्निपेट में आप इसका नाम दे देना, जैसे आप ना गूगल टैग मैनेजर, और आपका गूगल टैग मैनेजर, अगर आपका वेबसाइट का भी नाम डालना है तो आप डाल देना कौन सी साइट पे आपने इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो आपको इसका स्निपेट का नाम देना है, स्निपेट टाइप आपका क्या है। तो यहाँ पे आपको चूज करना है जावा स्क्रिप्ट, बिकॉज जो हमें कोड मिला है उससे जावा स्क्रिप्ट कोड होता है जो भी हमने गूगल टैग मैनेजर से मिलता है। उसके बाद साइट डिस्प्ले यहाँ पे आप चूज करना है, आपको पूरी साइट पे दिखाना है राइट, तो बिकॉज पूरी साइट पे ट्रैक करना है। तो इसमें बहुत सारे कस्टम ऑप्शन भी मिलते हैं अगर अपने को पर्टिकुलर पेज पे अपना कोड दिखाना है, लेकिन हमें साइट पे करना है। यहाँ पे आप अगर कुछ कोई पेज एक्सक्लूड करना है तो आप इसमें चूज करके एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है अपने को कहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे हेडर में डालना है या फुटर में डालना है। तो अभी आपको यहाँ पे हेडर में डालना होगा, डिवाइस डिस्प्ले स्टेटस एक्टिव। तो आपको जो हमने कोड मिला था यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। तो ये हमारा हो गया गूगल टैग मैनेजर का कोड। इसके बाद आप इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका कोड इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अलावा अपने को एक और कोड डालना था, वो बॉडी में। तो बॉडी में डालने के लिए फिर से आपको यहाँ पे डालना है, तो आपका जहाँ पे GTM यहाँ पे आपको हेड में डाल देना। उसके बाद आपको दूसरा एक और स्निपेट क्रिएट करना है, ये तो अपना हेड में हो गया। दूसरा अपने को डालना है जैसे बॉडी का कोड है राइट, तो बॉडी के कोड में आपको अगेन आपको हेड न्यू स्निपेट क्रिएट करना है। और यहाँ पे केवल ये ध्यान रखना है आपका जो कोड हेडर था इसको इस बार आप फुटर कर देना, बिकॉज इसमें बॉडी का ऑप्शन नहीं, तो आप फुटर में भी डालेंगे तो इक्वली वर्क करेगा, तो उसमें कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो दूसरा वाला कोड मिला था उसको यहाँ पे पेस्ट कर। तो यहाँ पे जो पहला कोड तो हेड सेक्शन का था और दूसरा कोड है बॉडी टेक का, तो इसको आपको कॉपी करना है और इसको कॉपी करना है। कॉपी करके आपके इसके कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, उसको सेव कर देना है। तो ये आपकी वेबसाइट पे ये गूगल टैग मैनेजर का कोड इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका वर्डप्रेस वेबसाइट में। इसके अलावा आप वर्डप्रेस में डायरेक्ट फाइल में जाके भी कर सकते हैं। तो आपको जैसे अपीयरेंस में जाना है तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको अपीयरेंस में जाना होता है, इसके बाद थीम फाइल एडिटर में जाना होता है। अभी यहाँ पे आपको फाइल चूज करना होता है, आपका हेडर फाइल होता है। तो ये मैनुअल मेथड है, अगर आपको इसके झंझट में नहीं पड़ना तो आप इग्नोर कर सकते हैं। तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ आपको हेड फाइल मिलेगा हेडर डॉट पी एच पी। तो हेडर डॉट पी एच पी में क्या होगा, आपको यहाँ पे जो हेड सेक्शन में जाके डालना है, तो यहाँ पे जो ये एचटीएमएल स्टार्ट होता है यहाँ पे आपको हेड दिख रहा होगा, तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होना। तो आपको हेड सेक्शन है तो यहाँ पे जस्ट एंटर मार के आपका जो भी कोड है यहाँ पे डाल देना और उसको अपडेट फाइल कर देना। और आपका जो बॉडी वाला कोड है उसको यहाँ पे भी बॉडी स्टार्ट हो रहा है, तो बॉडी स्टार्ट हो रहा है तो उसको यहाँ पे जाना, यहाँ पे बॉडी वाला कोड डाल देना। तो सिंपल है, और कुछ टच मत करना, फाइल को अपडेट कर देना। तो ये मैनुअल मेथड से भी आपका कोड इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये मैंने बता दिया आपको वर्डप्रेस में कैसे गूगल टैग मैनेजर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर आपका लैंडिंग पेज है तो वहाँ पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आपको अगर लैंडिंग पेज में इंस्टॉल करना है तो आपको सेम मेथड फॉलो करना पड़ेगा। सबसे आप इसको कोड को कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको अपना जो भी लैंडिंग पेज बिल्डर यूज़ कर रहे हैं तो उसके सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि हर लैंडिंग पेज बिल्डर में कोई ना कहीं ऑप्शन दिया होता है सेटिंग्स के अंदर। तो मैं भी आपको जो मैं यूज़ करता हूँ उसके अंदर दिखाने वाला हूँ। तो जैसे मैं ये वाला पेज बिल्डर यूज़ करता हूँ लैंडिंग पेज, कुछ मेरे लैंडिंग पेजेस के लिए। तो जैसे मेरा ये मैंने एक डेमो वेबसाइट बनाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं पाइपलाइन प्रो यूज़ करता हूँ। तो अच्छा प्लगइन है और 3,000 रुपये में आपको लाइफ टाइम इसका वो वैलिडिटी मिल जाता है। अगर आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको डोमेन होस्टिंग का कोई झंझट नहीं। आप अनलिमिटेड लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं, फनल क्रिएट कर सकते हैं, और 3,000 के आसपास इसका प्राइस है, और लाइफ टाइम आपको लाइसेंस मिल जाता है। और ये आई थिंक कोई भी लैंडिंग पेज या पेज बिल्डर आपको प्रोवाइड नहीं करना करता ये सब ऑप्शन। अगर आपको यूज़ करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अगर आपको ये यूज़ करना है। बिकॉज अगर आप वर्डप्रेस या डोमेन होस्टिंग बाय करते हैं तो आपको हर हर साल उसका मतलब जो वो उसको रिन्यू करना पड़ता है। लेकिन तो जस्ट मैं बता रहा हूँ, अगर आपको यूज़ करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मैं यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो वेबसाइट या फनल जो भी है तो उसके जाना है, और यहाँ पे फनल पे जाके आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा सेटिंग्स के अंदर। तो सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा हेड ट्रैकिंग कोड और बॉडी ट्रैकिंग कोड। तो अब यहाँ पे हम अपने कोड को डाल देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये हेड ट्रैकिंग कोड हेड के अंदर डाल दिया, और ये जो मेरा बॉडी का ट्रैकिंग कोड है मैं इसको कॉपी करता हूँ और बॉडी के अंदर डाल देता हूँ। तो मेरा जो बॉडी वाला कोड मैंने बॉडी के अंदर डाल दिया। तो अभी इसमें मुझे कुछ नहीं करता है, जस्ट सेव कर देना है और इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारा गूगल टैग मैनेजर हमारी वेबसाइट लैंडिंग पेज पे इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन इसको एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसको कैसे टेस्ट करते हैं अभी मैं वो आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए या तो आपको जो वेबसाइट है उसको ओपन करना पड़ेगा। लेकिन पहले क्या होता था,
जो गूगल होता था अपने को एक क्रोम का प्लगइन प्रोवाइड करता था गूगल टेग, तो उसके थ्रू हम टेस्ट कर सकते थे, लेकिन अभी वो डुप्लीकेटेड हो गया है। हालांकि उसको अभी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो डुप्लीकेटेड हो गया है। लेकिन मैं तो अभी ये गूगल टेग मैनेजर का हम टेग मैनेजर के अंदर जाकर डायरेक्ट टेस्ट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ अपना इसका, ठीक है, मैंने कोड को इंस्टॉल कर लिया। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे आपको गूगल टेग मैनेजर एक ऑप्शन दिखता है प्रीव्यू का। तो जैसे ही हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो अपने कोई दिखाएगा कि हमारा जो कोड इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, और ये हमारा जैसे वेबसाइट है, राइट। तो अभी मैं इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा टेस्ट करने के लिए प्रीव्यू पे। तो प्रीव्यू अभी अभी आपको यहाँ पे आपका वेबसाइट का यूआरएल डालना पड़ेगा जो भी आपका। तो मैं अपना यहाँ पे वेबसाइट डाल देता हूँ। तो इसको आपको HTTPS भी डालना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो आपका यूआरएल में HTTPS के साथ आपको फुल यूआरएल यहाँ पे डाल देना, ठीक है। तो ये हमारा वेबसाइट हो गया। अभी आपको इस पर क्लिक करना है कनेक्ट पे। तो यहाँ पे टेग मैनेजर दिखा रहा है, हमारा जो टेग मैनेजर है, अभी हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अगर हमारा कोड इंस्टॉल हो चुका है अपनी वेबसाइट पे तो अभी अपने को दिखा देगा। तो ये हमारा इसका प्रीव्यू स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे ये हमारा वेबसाइट ओपन हो चुका है और यूआरएल में दिखा रहा है डिबगिंग मोड में भी ओपन है। तो यहाँ पे आपको ऐसा पॉपअप आ जाएगा। तो अभी आपको जाना है यहाँ पे गूगल टेग असिस्टेंट के अंदर, यहाँ पे जाना है और इसको कर देना है कंटिन्यू पे। तो ये स्टार्टिंग में कभी कभी थोड़ा टाइम लेता है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा जो गूगल टेक ये वाला है, राइट। तो हमारा ये क्या था, ये आपको देखना है WFNJ। तो ये हमारा गूगल टेक का इसका जो आईडी होता है कंटेनर का, वो आईडी है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिखा रहा है कनेक्टेड और यहाँ पे ये बोल रहा है गूगल टेक फाउंड, मतलब हमारा जो गूगल टेक है वो हमारी इस वेबसाइट पे इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन टेग्स अभी हमने इसके क्रिएट किए नहीं है, इसमें दूसरा हमने कोड डाला नहीं है, जैसे गूगल एनालिटिक्स का या फिर एड्स का कोड, फेसबुक का या फिर गूगल एड्स का। जो भी हम कोड डालेंगे तो वो कोड भी यहाँ पे दिखाएगा। तो कैसे होगा मैं भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, मतलब हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है। इसके अलावा आप ये प्लगइन भी आता है, उसे भी आप देख सकते हैं। ये गूगल टेक असिस्टेंस लेगेसी प्लगइन आता है क्रोम का। तो वैसे ये बोल रहा है ये नो लॉन्गर सपोर्टेड, लेकिन फिर भी मैंने जस्ट इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं भी आपको दिखा देता है, यहाँ पे क्या करना है, आपको इसको क्लिक करना है इनेबल पे और इस अभी आपको करना है इसको रिफ्रेश। तो अभी आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा है गूगल टेक रिमार्केटिंग गूगल टेक मैनेजर। तो हमारा जो गूगल टेक मैनेजर है 57, हमारा गूगल टेक मैनेजर है WFNJ, ओके WFNJ। तो ये हमारा जो गूगल टेक मैनेजर, इसमें भी दिखा रहा है कि इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन ये डुप्लीकेटेड हो गया है। तो ये अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन जब तक अवेलेबल है आप इसका यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो गूगल टेक मैनेजर है हमारी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो चुका है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कैसे गूगल टेग मैनेजर को आपका किसी भी टाइप की वेबसाइट पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर किसी को ज़रूरत है तो उसके साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता ही है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।